पापा मिलेंगे। एक एक करके आज ही जाना है और आज ही पापा का बर्थडे भी है 5 फरवरी को। बताऊं ले जाते वक्त तो कोई कपड़े ले जाने नहीं है तो मैंने इसलिए काफी सामान खरीद लिया। मतलब इस बार मुझे ट्रेन नहीं लेनी पड़ेगी और सीधा अपनी स्कॉर्पियन के पास पहुंच जाएंगे भाई आज। हेलो, वापस से स्वागत है लाओस में। और ये देखो जी, हाँ भाई फिर ये खड़ी भाई। अरे हाय कितनी गंदी हो रही है मिट्टी में, कीचड़ जमा हुआ है पूरा। इतने दिन के बाद देख के भाई बड़ा अच्छा सा लग रहा है। सही है यार लाओस उस हिसाब से, जब इतने फॉरेनर्स आए हुए सस्ता वो होता है ये देश। ये जी अमन का रूम था, अमन और मैं इसी रूम में सोते थे साथ में। ये रहे हमारे छपरी मामा, क्या हाल चाल है। कोई नहीं, प्यार से नाम रखा हुआ मैंने। एक छपरी की तो शादी हो गई कल, अब तेरी कब हो रही है, है? जल्दी चलो चलो चलो। ये तीसरा छपरी हमारा हिमाचल से आया है, चाइनीज छपरी। हमें छपरी ऐसे नाच के दिखा दे, हमें छपरी। चलो जी ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्दी फटाफट। ओके जी, ये तो हिमाचल जा रहे भाई सीधा, और हम जा रहे हैं गुड़गांव। गुड़गांव का छपरी, छोटा छपरी। ओए छोटा छपरी। भाई आए थे परसों शाम को अम्बाला, कल की शादी थी पूरा दिन, और आज अगले दिन यानी कि आज का डेट है 1 तारीख 31 को हम निकल रहे हैं। तो वही 5-6 घंटे लगेंगे, रुकते रुकाते जाएंगे, शाम को पहुंच जाएंगे भाई 5-6 बजे तक अपने घर। बताओ क्या ब्याह की तारीख तो बता दे। ब्याह की तारीख इस साल तो नहीं, अगले साल नहीं, इस साल अभी ट्रैवल में निकल जाएगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, अभी तो मैं ये ऑस्ट्रेलिया वाली ट्रिप कम्प्लीट करके मई में आऊंगा। मई में आएगा, जून जुलाई के अंदर घर का भी काम चल रहा है। गर्मी में ब्याह कर ले, अगले साल करेंगे 2025 में। मैं अभी 27 का हूँ। 27 का होगा जब? हाँ अभी 26 का हूँ ना। हाँ 27 में। आपकी कितने साल में हुई थी शादी? मेरी हुई थी 67 का जन्म है। हाँ। और 92 में ब्याह हुआ था। कितने साल के हो गए देख ले? 87 का है। 67 का? हाँ 67। इतनी मैथ नहीं आती है मेरे को, कौन कैलकुलेट करेगा। 32 के हो गए शायद है। 22 या 23 के, 25 के, 25 के आसपास। तू कब करेगा? तू अभी कितने साल का है? मैं तो 10 साल। तो ये जी 22 साल का हो चुका, अगले साल इसकी भी शादी है, बताइयो। तो जी ये वाली गाड़ी तो जा रही है सीधा हिमाचल, धर्मशाला के पास एक जगह है दाढ़ी। ओके जी नाना, बाय बाय टाटा। और ये जा रही है सीधा गुड़गांव। HR वाली जा रही है, HR HP वाली जा रही है। गाड़ी में कभी बिठाया ही नहीं। क्यों, आप आई नहीं गुड़गांव कभी? लगाई थी ना जो BMW। बैठने लगो तो गाड़ी में। अगली बार। अब आप आना जब घर पूरा हो जाएगा ना, ठीक है? चलो जी ओके जी, टाटा बाय बाय सभी को, बाय बाय। बिल्कुल एक तो पता नहीं भाई, ये अंडर इन्फ्लेटेड टायर बार बार दिखाता रहता है, क्या पंगा है। हवा जबकि पूरी होती है फिर भी सेंसर में दिक्कत होगी। हाँ 6:30-6:30 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते, लगभग 11 बजे निकल रहे हैं भाई, तो रुकते रुकाते बज ही जाते हैं। यहाँ अम्बाला कैंड में भी ना भाई ट्रैफिक बहुत लगता है, कल भी पूरा दिन ट्रैफिक था, शादी में जा रहे थे और अब दिन में भी देखो 11 बजे जाम लगा पड़ा पूरा। ऑलमोस्ट भाई, कागज है कोई? कागज दे दो भाई। रस्ते में रुके हैं चाय पीने के लिए, इतनी तगड़ी धुंध थी आज तो क्या बताऊं, बस बारिश भी आती रही पूरे रस्ते ही, बट ऑलमोस्ट गुड़गांव आने वाला है भाई। अब 20-25 किलोमीटर रह गया, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे घर, सीधा ही खींच दी, रुके नहीं ज्यादा कहीं भी। वैसे पहुंचना था 6 बजे लेकिन 3:30 तक पहुंच जाएंगे, क्यों पार सही बात है, अब तो ट्यूशन पड़ेगा आज, ये अब नहीं छुट्टी होगी बेटे, अब तो जल्दी पहुंच रहे हैं। रोबड़ा भुजिया कहा ले ले, कौन सी लेनी है? दे देना भैया आलू भुजिया दे दो ना, आलू भुजिया। भाई रस्ते में तो इतनी तगड़ी बारिश थी लेकिन गुड़गांव एंटर करते ही बारिश का नामो निशान नहीं है, हल्की फुल्की 2-4 बूंदे गिरी है, बट रोड देखोगे ना साफ सुथरी पड़ी है, पानी है नहीं ज्यादा। बस ऑलमोस्ट आ ही गया भाई घर, सही टाइम पे पहुंच गए 3:30 बजे करेक्ट। अब अपने काम वाम निपटाने का और घर का भी काम देखने के लिए आधा दिन बचा हुआ है आज का, तो सही है। चलो चलो जी चलो, घर पहुंच गए हैं। तू भी चलेगा बांटने है? चलो जी आ जाओ आ जाओ। चलो तो अपने पास भाई थोड़ी सी टाइम की कमी थी, इसलिए पापा और केशव को भेज दिया था कंबल लेने के लिए, तो आ चुके हैं कंबल। ओ भाई सब, ये कहाँ से गिर रहा है? अरे भाई वो ध्यान से भैया, क्या कर रहे हो? वो देखो ऊपर से मलबा फेंक रहे नीचे सीधा। तो जी गाड़ी में कंबल ही कंबल भर दिए गए हैं सारे के सारे, अभी तो पूरे आए नहीं है, तो जितने आए हैं पहले मैं वो बांट आता हूँ, फिर एक और चक्कर मारना पड़ेगा। ताला तो खुलवाया नहीं, गेट खुल गया, जा फाड़ फटाफट जा। ये चाबी ये क्यों ले आया, मेरे पास भी एक नई वाली मत लाया कर, जा खुलवा। खाना तो अभी नहीं आया ना, लेना है ना वहां जाके।
जीजू के पास है तो जीजू के पास आ चुका खाना। खोल तो दिया, बैठो तुम, क्या उतर क्यों गए? सुबह भाई कल ना 5 तारीख को 8 बजे की फ्लाइट है तो मेरे को एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा 5:30 बजे, जिसके लिए घर से निकलना पड़ेगा 4 बजे। तो समझ लो बस आज ही है, रात को तो मुझे सोना नहीं है, उठा ही रहना और सीधा टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट। तो इसलिए पार्थ, मैं, मम्मी तीनों जा रहे ताकि फटाफट से बांट जाए, ज्यादा टाइम ना लगे। तो ये कुछ तो आ गया है खाना, हमने ना बांटने की जगह पैक ही करवा दिया ताकि चलते चलते रास्ते में बांटते जाए, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो इस तरह के अलग अलग थैलियां करवा लिया। अभी तो ये कितने 100 है ये वाले, अभी 100 लोगों का तो आ गया भाई, 300 का हो रहा ना, यानी टोटल 400 लोगों का खाना बांटना है। कंबलों से ही भाई पूरा स्पेस चली गई, डिक्की में ही करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, किसी भी तरह से हो जाएगा। हाँ चलो चलो जी चलो, सारा सामान लोड कर दिया है, फटाफट से कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई मंदिर ही आए हैं, मंदिर में देंगे, फिर उसके बाद बांटना शुरू करेंगे। मम्मी दे रही है ना, कोई नहीं दे देगा। इधर आओ ना, ऐसे लाओ, दो डब्बी दो। हाँ बारिश आई थी ना उस चक्कर में, एक एक चम्मच दूं? नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। सबको बुला दो, एक बार दे देंगे। एक एक करके, एक एक करके भाई, सही में महाभारत है। कितना बोल दिया लाइन लगा लो, लगा ही नहीं रहे लाइन भाई, हाथ मार रहे अंदर, शीशे तोड़ रहे हैं। अब जबरदस्ती निकलना पड़ा, हालांकि लोग वहां पे बहुत सारे थे बांटने वाले, बट बांट ही नहीं पा रहे भाई, क्या करे, शीशे तोड़ देंगे तो गाड़ी के उस चक्कर में। तो थोड़ा आगे जा रहे है, जहाँ आश्रम में दे आओगे, हाँ हाँ ये भी कर सकते, आश्रम में दे आते भाई, वो अपने आप ढंग से बांट देंगे। देखते हैं जो थोड़े बहुत लोग मिलेंगे ना, ऐसे एक एक दो दो, उनको तो देते चलते हैं, बाकी आश्रम में जाएंगे। पार्थ के तो आज थप्पड़ ही थप्पड़ बजते बाहर से। अच्छा तेरे हाथ में नहीं थे बेटा, हाँ तेरे हाथ में कंबल होते, कंबल के साथ तेरे को भी निकाल लेते बाहर ही। हाँ वही तो, कितना कह दिया कि सब इतने हैं कि सबको मिलेंगे, उनको ये होता है ना कि मिलेगा नहीं, पर मिलेगा सबको, इतने सारे है भाई, पर फिर भी हाँ तो आराम से बढ़ जाते हैं। देख लो किसी को भी नहीं मिल पाए वहाँ पे, मतलब दो चार कोई मिले, अब क्या करे, इतना भीड़म भीड़ होगी, धक्का मुक्की कर रहे थे सब। ये लो आगे से ही लेते जाओ, आगे से। हाँ कड़ी चावल है ले लो। चलो भाई कंबल भी ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए हैं और खाना भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ये खाना हो गया, ये लो जी चम्मच आगे से ले लो, फर्स्ट रो से चम्मच। चलो भाई ये वाले कंबल तो खत्म, अभी घर पे हो रहा है वो भी बांट देंगे, शायद मैं नहीं आ पाऊंगा बांटने, केशव और मम्मी को भेज दूंगा, ये बांट देंगे अपने आप। तू भी आज ना बांट दियो, बाकी खाना बचाओ, दो चम्मच दो बस। चलो जी, चलो भाई सक्सेसफुल, यहाँ रेलवे स्टेशन के यहाँ हो गया ढंग से, इतना भीड़ भड़क का नहीं मची। चलो जी घर आ गया हूँ, अब मैं ओडी पे ना कवर चढ़ा के अच्छे से बंद करके चला जाऊंगा, क्योंकि ओडी तो पीछे से यूज होती नहीं है, टियागो में ही काम होता है सारा घर का, तो इसलिए धूल मिट्टी ना चढ़े, मलवा वलवा ना गिरे, स्क्रैच ना पड़े, तो कवर चढ़ा के ये वाला आराम से फिट करके चला जाऊंगा बस। बीच बीच में केशव ऑन कर देता है 10-15 दिन में एक बार, ताकि बैटरी भी खत्म वीक ना हो। और पापा से बोलता हूँ ये मलवा भी उठवा देते हैं ट्रैक्टर बुला के, ताकि ये भी जगह खाली हो जाए। और ये लोग जा रहे हैं अब बचा हुआ सामान बांटने के लिए। इस बार मैंने सोचा था कि जितना भी प्लम्बर का या इलेक्ट्रीशियन का झीरी काटने वाला काम है ना, पाइप डलवाने वाला, वो अभी डलवा के जाऊं, ताकि जब मैं वापस जाऊं तो पीछे से प्लस्तर सारा हो जाए। तो प्लम्बर का तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है, लेकिन बिजली वाले भैया ने मेरा रूम तो कर दिया, लेकिन बाथरूम रहता है, थिएटर रहता है और भी काफी रहता है, तो वहाँ का प्लस्तर अब रोकना पड़ेगा। और पीछे से मैं चाहता नहीं कि वो करे कुछ काम, क्योंकि मुझे हर चीज ना अपने अकॉर्डिंग चाहिए, कि स्विच बोर्ड कहाँ लगेगा, कितनी हाइट पे लगेगा। जैसे ये बेड वाला एरिया ही है, तो मुझे मैंने ये नपवा के खुद से लगाया है कि साइड टेबल यहाँ तक आएगा, तो जो अपना स्विच बोर्ड है वो यहाँ आना चाहिए उस हिसाब से। अब मैं नहीं होऊंगा पीछे से, वो ऊपर नीचे कर देंगे, फिर बाद में मुझे फिर चेंज करवाना पड़ेगा, टाइम भी डबल लगेगा, खर्चा भी डबल। तो उससे अच्छा जब मैं वापस आऊंगा अपने सामने ही करवाऊंगा, जहां जहां का बच गया है। तो मेरा रूम जैसे कंप्लीट है, तो मैं आज एक बार देख लूंगा और यहाँ का ये प्लस्तर कर देंगे पीछे से, ताकि फिर कंप्लीट मिले जब तक मैं आऊँ, और सीधा आते इंटीरियर का काम शुरू करवा लूंगा। तो जो लाओ उससे मैं बड़े वाला बैग लाया था ना, इसमें सारे गर्म कपड़े और सोविनियर्स वगैरह ले आया था। अब ले जाते वक्त तो कोई कपड़े ले जाने नहीं है, तो मैंने इसलिए काफी सामान खरीद लिया। चावल खत्म पड़े थे और चिप्स कुरकुरे वगैरह थोड़े बहुत, ये मसाले ले लिए सारे, आलू भुजिया ले ली भाई साहब, मस्त गाड़ी में बैठ के खाओ, चिप्स वगैरह काफी। तो अब काम बन जाएगा अपना मस्त कई दिन तक। तो अभी वो भी सारा सामान है वो सब इसमें शिफ्ट करना है, ये वाला भी सारा इसमें करना है। तो जी सुबह के हो रहे है 3:30, वो मैंने ऊबर की रेंटल बुक कर ली है शेड्यूल वाली, तो 4 बजे गाड़ी आ जाएगी घर के बाहर, अपना 4:30 या 4:45 तक पहुंच जाऊंगा। फ्लाइट मेरी शायद से 8 बजे की है, पता नहीं 8:30 की है।
पर टर्मिनल 3 से है, इतना पता है। और वही भाई रूट सेम होने वाला है जैसे मैं आया था। यहाँ से पहले मैं जा रहा हूँ बैंकॉक थाईलैंड, फिर आज मतलब 5 तारीख है ना, तो कल फिर मेरी 6 तारीख की है बैंकॉक से लाओस की। बट फ़र्क ये है इस बार कि पिछली बार मुझे लुआंग प्रबांग से आना पड़ा था उनकी कैपिटल वियनटेन तक ट्रेन में, और फिर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के आना पड़ा था थाईलैंड। बट इस बार थाईलैंड से डायरेक्ट मेरी फ़्लाइट ही है लुआंग प्रबांग की 1.5 घंटे की, तो मतलब इस बार मुझे ट्रेन नहीं लेनी पड़ेगी और सीधा अपनी स्कॉर्पियोन के पास पहुँच जाएंगे भाई। आज काफ़ी दिन हो गए, प्लान तो कम दिन का था बट काम भी खिंच गया थोड़ा यहाँ पे, इसलिए चलता है कभी कभी, है ना। सोहन भी बेचारा इंतज़ार कर रहा होगा, बट मज़े कर रहा है भाई साहब, वो वहाँ पे मस्त घूम रहा है, रोज़ रोज़ खा रहा है, पी रहा है, उड़ा रहा है मौज। रूम को टाटा बाय बाय बोल देते हैं, सारी लाइटें बंद। मम्मी भी उठ गई है, परांठे बना दिए हैं, बस जूते पहनने हैं मुझे। आलू के परांठे पैक करवा लिए, क्योंकि यहाँ से ना थाईलैंड की मेरी विस्तारा की फ़्लाइट है, और मुझे पता है विस्तारा में कुछ ना कुछ खाने के लिए तो देते हैं, बट क्योंकि सुबह 8:30 बजे की फ़्लाइट है तो पता नहीं ब्रेकफास्ट में कुछ हैवी मील होगी या नहीं होगी, इसलिए मैंने मम्मी को कहा परांठे पैक कर दो, वरना पूरे दिन भूखा रहने से अच्छा कुछ पेट में जाएगा। हाँ एक ही थैली कर दो, वो सीधा बैग में डाल लूँगा अपने। थोड़े से अनार तो खिला ही दो मेरे को, एक उसमें कटोरी में दे दो चम्मच में। और ये अपना बड़े वाला सूटकेस है भाई, अराउंड 20-25 किलो का होगा ये भी, और वो तो बस अपना गैजेट का ही है, खाली है तो ऑलमोस्ट, ये देखो एक उंगली से उठा लिया। जुराबे जूते पहनते हैं, कैब आने वाली है 5-10 मिनट में। सो रहे हो, हैप्पी बर्थडे आज ही जाना है, और आज ही पापा का बर्थडे भी है 5 फरवरी को, बताऊँ। ठीक है जी माते, फिर मिलते हो जल्दी। पिछली बार 4 महीने बाद आया था जब लंदन ट्रिप से, इस बार तो 50 दिन में ही आ गया था मैं ना, और शायद से अभी मैं एक चक्कर और मारूंगा 25-30 दिन के बाद इंडिया का, काम क्योंकि पीछे से पता ही आपको अटक जाता है, तो आके थोड़ा सा ट्रैक पे लाना पड़ेगा ताकि कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ चलती रहे, रुके ना, ज़्यादा डिले ना हो। बाकी देखते हैं, वो तो आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। ये खाना भाई अपना अनार और साथ में आलू के परांठे। यहाँ तो भाई ठंड हो रही है इंडिया में, बट थाईलैंड और लाओस में तो आग मच रही थी, 25-26 डिग्री था, और अब तो शायद 30 भी हो गया, कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ से तो ये जैकेट मजबूरी में पहन के जानी पड़ रही है, लेकिन वहाँ जाके इस जैकेट का कोई काम नहीं होगा, तो बस ये पड़ी रहेगी बैग के अंदर। बैंकॉक का टेम्परेचर इस टाइम पे 27 और दिन में दिखा रहा है 34 डिग्री, मतलब बहुत ही गर्मी होने वाली है वहाँ पे। तो चलो जी, चलो आई गई अपनी कैब भी। ओके जी, बाय बाय टाटा, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय जी। ओके जी, ओके। ओ भाई साहब, बताओ खाने खाने का सामान इतना भारी हो गया। ओ तेरी, आ जाओ बाहर। तो भाई साहब अंधेरा हुआ पड़ा पूरा, मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे ही दिन निकलता होगा। 7 बजे निकलता है। हटना, देखना कहाँ है गाड़ी वाला। ठीक है, ओके, बाय बाय। OTP भाई साहब, आज तो एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा तगड़ी भीड़ लगी हुई है। अभी चेक इन करवा रहा हूँ अपना मेन वाला लगेज, ये तो मैं कैबिन में ही ले जाऊँगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है वैसे भी बैटरीज वाली, तो इसलिए ये नहीं करवा सकता चेक इन में। चलो भाई, सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ हो गया है। मैंने ना एक्चुअली विस्तारा की इकोनॉमी वाली टिकट बुक करी थी 16,000 रुपीज़ की, बट कल रात को मतलब आज सुबह सुबह मेरे को दिखा ईमेल की अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा था ओनली कितने में, 16,000 या 17,000 में ही आप अपग्रेड कर सकते हो बिजनेस क्लास में, यानी कि टोटल मिला के 32,000-33,000 की मेरे को बिजनेस क्लास पड़ गई। तो मैंने कहा सही है भाई, 4.5 घंटे की फ़्लाइट है, मस्त सोते हुए जाऊंगा बिजनेस क्लास में, बेड बन जाता है ना वो विस्तारा वाला, तो नींद भी हरी है वैसे भी, अभी रात भर सोया नहीं था, और अब बिजनेस क्लास मिल गई ऊपर से, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। तो भाई दिल्ली एयरपोर्ट का लग्जूरियस ड्यूटी फ्री एरिया भाई साहब, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, पर जो चीज़ लोग मेन लेते हैं वो मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ड्रिंक करता नहीं हूँ, तो इसलिए। तो अभी तो भाई 6:21 हुए हैं और 7:30 पे बोर्डिंग शुरू होगी, तो मैं सोच रहा हूँ चलते हैं लाउंज में। ये है एनकाम प्रायोर, यहाँ पे ही है कोई लाउंज, हो रहा सामने लिखा तो है लाउंज। तो बिजनेस क्लास में वैसे तो लाउंज मिला है एक एयर इंडिया का, बट वो पता नहीं कैसा होगा, तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड से एंट्री ले लूँगा, 1 रुपये ही कटते हैं। बढ़िया, अपना घुस जाओ अंदर, खाओ पियो जो मर्ज़ी करो। वैसे तो मेरे पास खाना है, मम्मी ने परांठे जो बनाए थे, बट स्टिल फ्री में मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे। वही बिजनेस क्लास वाला भी यहीं पे ही है 3rd फ्लोर पे, तो चलो। बोर्डिंग पास में लिखा ही हुआ है एयर इंडिया वाला। एयर इंडिया वाला ही है ना? एयर इंडिया नहीं है, फिर कौन सा? एयर इंडिया फुटकुट एरिया। अच्छा, तो ये इस पे कौन सा है? ये बिजनेस क्लास ही है ये। ये वाले में तो नहीं है भैया एंट्री, ये कह रहे हैं कि जो एयर इंडिया का है वो नीचे है फूड कोर्ट में, अब वहाँ कौन जाएगा, देखता हूँ कोई कार्ड वाला मिल जाए। इसमें ये कह रहे कार्ड नहीं चलता, इसमें इनका अपना ही पास होता है, उसी से एंट्री मिलती है खाली। बड़ा थका थका सा और नींद वाला फील हो रहा है, बस अब तो सीट मिल जाए, फ्लाइट आ जाए जल्दी,
मैं तो मस्त अपना रिक्लाइन करके खराटे मारूंगा, नहीं मतलब खराटे मैं मारता नहीं पर सोऊंगा मस्त। यार मेरा ना मन भी कर रहा है लाउंज में जाने का, और आलस सा भी आ रहा है, इतनी दूर कौन जाएगा, तो इसलिए गेट के बाहर ही जाके बैठ रहा हूँ भाई, वरना वहाँ जाओ फिर वहाँ से यहाँ आओ दिमाग खराब होगा। चलो भाई फाइनली बोर्डिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, लेट्स गो। होनी तो 7:30 बजे चाहिए थी शुरू, बट 8 बज गए हैं, तो आधा घंटा फ्लाइट लेट है। अब पता नहीं उड़ाएंगे भी लेट आधा घंटा या फिर खाली बोर्डिंग ही लेट करवा रहे हैं। चलो भाई ऑलमोस्ट जनता खाली हो गई, अब उठते हैं। वैसे तो ना बिजनेस क्लास की अलग ही लाइन होती है, वो जल्दी अंदर भेज देते हैं, बट फायदा क्या, जो एयरक्राफ्ट है उसकी एंट्रेंस में तो भीड़ ही लगी होगी ना, वो तो गेट एक ही है सबके लिए, चाहे इकोनॉमी हो चाहे बिजनेस हो। आज तो भाई साहब एयरपोर्ट पे इतने सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, और एयरपोर्ट का स्टाफ ही आधे ज्यादा, तो मतलब 7-8 लोग तो एयरपोर्ट के स्टाफ के मिल गए, फिर कुछ लोग पैसेंजर भी मिल रहे हैं। और सब लोगों का यही कि आपकी लंदन सीरीज बहुत बढ़िया थी, आपकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज बहुत बढ़िया है, और आप इंडिया गए, आ गए आप तो चाइना में हो। तो वही सबको सेम बात बोलता हूँ कि चाइना की पुरानी वीडियोस चल रही है, मैं आया था 5-6 दिन इंडिया अपना शादी अटेंड करने के लिए, और अब वापस लाओस जा रहा हूँ। चलो जी चलो फाइनली काफी देर बाद लगेज आया, बट एग्जिट कर लिया है। ये पीछे एयरपोर्ट है मेरे, जो की क्या है बैंकॉक का स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। होटल बुक कर लिया, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और टैक्सी भी बुक कर लिया है, एक ऐप चलती है यहाँ पे ग्रैब GRAB, उसके थ्रू। तो होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे, कल सुबह की फ्लाइट है वापिस से यहाँ से लाओस की। आज देखता हूँ, मन करा हिम्मत हुई तो घूम लूंगा, अभी तो जाके नींद पूरी करनी है। फ्लाइट में भी मैं सो गया था वैसे तो, और फ्लाइट भाई आधा घंटा पहले ही पहुंच गई, 4 घंटे की थी ना, 3.5 घंटे में पहुंचा दिया मजेदार एकदम। सब बहुत ज्यादा खतरनाक वाली गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो गाड़ी में तो फिर भी अच्छा लग रहा है, बाहर तो हालत खराब हो गई थी, इसलिए एयरपोर्ट से मैंने एक कोकोनट मैंगो स्मूदी ले ली थी अराउंड 200 baht की, पता नहीं कितने का कन्वर्जन चल रहा, मैंने तो चेक भी नहीं किया, कार्ड से पेमेंट करी और निकल गया भाई, इतनी गर्मी थी क्योंकि ऑलमोस्ट होटल आ ही गया, पास ही था जैसे कि मैंने बताया, 180 baht बना टैक्सी का, मजेदार। ये है भाई अपना होटल पैरागन इन, पता नहीं कैसा होगा, जो लास्ट टाइम मैंने बुक किया था ना वो तो भाई मिला ही नहीं, इस बार फुल था, तो अब ये मिल रहा था, बढ़िया रेट भी था, सही दिख रहा था, अब होपफुली अंदर से अच्छा हो। वैसे ज्यादा मुझे कुछ करना नहीं, स्विमिंग पूल हुआ तो स्विमिंग पूल में डुबकी लगा लूंगा थोड़ी सी, और क्या ही करना है। या थैंक यू। चलो जी चलो चेक इन हो रहा है, और ये रहा भाई इनका स्विमिंग पूल, 9 बजे तक है रात को, तो मस्त शाम को 1-2 घंटे बढ़िया, और मसाज भी इनके पास तो ऑयल मसाज 60 मिनट 600 baht, काफी सही है। ऐसा लग रहा है भाई विला टाइप के बना रखे इन्होंने, एक ऊपर एक नीचे, अब अपना कौन सा ये लेकर तो जा रहे। यहाँ पे ये सही है भाई, लगेज के लिए बंदे होते हैं, कम से कम खुद नहीं उठाना पड़ता वीडियो पे। Later that same evening. भाई मैं सो गया था सीधा 5-6 घंटे के लिए, रात के 1 बज रहे, अभी आधे घंटे पहले ही नींद खुली है, और भूख लग रही थी तो मैंने ऑर्डर कर लिया ग्रैब जो ऐप है ना उसी से, इंडियन रेस्टोरेंट था यहाँ पे पास में, और भाई रात में लड़की डिलीवर करने आई है 1 बजे रात को, बताओ कितना सेफ है इस कंट्री में, आप खुद सोच लो रात को 1 बजे अगर लड़कियाँ डिलीवर कर रही है तो। सुबह के भाई 6 बज चुके हैं, नहा धो के रेडी हो गया हूँ, यहाँ पे तो नहाने का मन भी करता है, गर्मी है ना, इंडिया में तो ठंड हो रही थी, मन ही नहीं करता था नहाने का। टैक्सी बुक कर दिया भाई एयरपोर्ट के लिए, 6:30 तक एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, और यहाँ से है मेरी एयर एशिया की फ्लाइट 9:30 की, 1.5 घंटे की फ्लाइट है, 11 बजे लाओस में लुआंग प्रबांग पहुँचा जाएगी अपनी स्कॉर्पियो एन के पास, तो मस्त अपना 3 घंटे का लेकर चल रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है, सिक्योरिटी चेक में कभी कोई भीड़ होती है, और थाईलैंड का एयरपोर्ट वैसे भी आजकल बहुत बिजी रहने लगा है, इसलिए मैंने सोचा 6 बजे निकल लेना चाहिए, ज़्यादा डिले करा तो कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। 13,000 rupees की फ्लाइट बुक करवाई है 1.5 घंटे की सिर्फ, देख लो। लो जी लो टैक्सी आ भी गई लिटरली 5 मिनट में ही,
बढ़िया चलो जी। अरे टैक्सी नहीं है क्या? टैक्सी है भाई, टैक्सी है, चलो 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 चलो। वो नहीं थी भाई, वो तो किसी और की टैक्सी थी। और एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लाओस का ना वीजा सिंगल टाइम था पिछली बार, तो मैंने इंडिया में वापस से अप्लाई किया था, तो मेरे को मिल भी गया वीजा, बट ईमेल पे ही पड़ा हुआ है, उसका प्रिंट आउट निकालना भूल गया मैं। तो अब इनसे मैंने बात करी होटल वालों से, कह रहे हम नहीं निकाल पाएंगे प्रिंट आउट, एयरपोर्ट पे मुझे लग नहीं रहा प्रिंट आउट मिलेगा, वैसे कोशिश करूंगा मिल जाए तो बढ़िया है, वरना डायरेक्ट लाओस जाके भाई फोन में ही दिखा दूंगा डिजिटल वाला, कोई दिक्कत ना करे बस वो। भाई सब मच्छर बहुत है इतने बड़े बड़े, अरे उड़ भी नहीं रहा भाई, कितना जिद्दी मच्छर था, हुए बहुत मच्छर है भाई। हाँ भाई, है टैक्सी अपनी एरी। यहाँ के एयरपोर्ट पे ना भाई, गेट पे कोई भी बोर्डिंग पास या फिर अपना पासपोर्ट चेक नहीं करते, ऐसी कोई भी एंटर कर सकता है, मतलब आप किसी को छोड़ने भी आ रहे हो तो डायरेक्टली अंदर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये है अपनी 925 वाली, आप देख सकते हो लुआंग प्रबांग लिखा हुआ है, बट ये एमिरेट्स क्यों दिखा रहा है भाई, मैंने तो बुक नहीं करी एमिरेट्स। चेक इन कर दिया भाई, अभी तो बहुत टाइम है, और जो सर्विस डेस्क होता है ना इन्फॉर्मेशन वाला, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया सेकंड फ्लोर पे जाओ, पुलिस जो है ना टूरिस्ट पुलिस, वहां पे प्रिंट आउट सर्विस है अवेलेबल, तो वो निकाल के देखना बहुत बढ़िया। सुबह सुबह भी भीड़ बहुत है एयरपोर्ट पे, और ये रहा सामने भाई टूरिस्ट पुलिस, 1155 नंबर है इनका, अगर आप मिलाना चाहो इसके अंदर ही प्रिंटिंग सर्विसेज मिल जाएगी आपको पे करके, फ्री नहीं है भाई। तो अच्छा अपने पास थाई भात पड़े हुए है, पिछले जब मतलब मैं फ्लाइट पकड़ के इंडिया गया था ना उस टाइम पे, तो यूज हो जाएंगे अभी वो थोड़े बहुत, वैसे दो ही पेज निकालने क्या ही लेंगे ज्यादा, बट फिर भी भाई पैसे निकाल लेता हूँ, वहाँ पे बेइज्जती होगी। चलो भाई काम हो गया है, 10 थाई भात का एक प्रिंट आउट निकाला है, यानी कि इंडिया के 25 रुपीज, तो मैंने दो कॉपी निकलवा ली है 50 रुपए में, 20 थाई भात। अब टेंशन की बात नहीं है कोई, चलते हैं बोर्डिंग गेट के पास अपने। थर्ड फ्लोर पे इनका सारा फूड कोर्ट है, देखो KFC भी है भाई, बर्गर किंग है, चाइना टाउन, मैकडोनल्ड्स भी होगा ही भाई यहाँ पे, बट अगेन वेज नहीं मिलेगा, चिकन तो मिल जाता है हर जगह। कोकोनट भाई बहुत फेमस है यहाँ थाईलैंड में, तो 145 बात का एक कोकोनट ले लिया, मैंने कहा सुबह सुबह चलो कुछ तो जाएगा पेट में, भाई सब ऊपर तक भरा हुआ है, पानी तो मस्त है एकदम, है भी तो 300 रुपए का, शहद की तरह मीठा भाई, मजा आ गया, बट 300 रुपए का तो महंगा ही है, एयरपोर्ट के हिसाब से ठीक है, बट वैसे देखा जाए तो महंगा ही क्या हो गया। एक भाई ब्राउनी ले ली, बड़ी लजीज सी लग रही थी दिखने में ही, देखना इमिग्रेशन काउंटर पे तो भाई आज बहुत ज्यादा भीड़ थी, सबसे ज्यादा भीड़, 40 मिनट लग गए इमिग्रेशन क्लियर करने में ही, अच्छा हुआ ना निकल गया सुबह होटल से जल्दी, वरना तो फ्लाइट मिस हो जाती, 8:30 बज चुके हैं, 5-10 मिनट में बोर्डिंग शुरू होने वाली है। लो वापिस से स्वागत है लाओस में, वही फ्लाइट बोला था 1.5 घंटे की है, बट 1 घंटे में ही पहुंचा दिया, 1 घंटे 5 मिनट में, जल्दी जल्दी से क्लियर करते हैं भाई सब कुछ। और सोहन आया हुआ बाहर, जो होटल में छोड़ के आया था ना मैं उसको, उसी के ओनर की गाड़ी में आया है, वही मेरे को रेलवे स्टेशन भी छोड़ के गए थे जब मैं जा रहा था लाओस से इंडिया, तो वो अच्छा है भाई आ गया बाहर, फटाफट से अपना काम होगा और गाड़ी में बैठ के कट लेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है एयरपोर्ट भाई, छोटा सा ही है बिल्कुल, तो जल्दी जल्दी पहुंच गए बस। मेरे को तो इनका रेलवे स्टेशन भी इससे बड़ा लग रहा था लुआंग प्रबांग का। अच्छा हाँ, वो वियंटेन का एयरपोर्ट बड़ा था, कैपिटल सिटी है ना वो, क्योंकि फ्लाइट में ना मैं ये मिला था भाई, मैं भरना ही भूल गया, अब यहाँ पे आके भर रहा हूँ, जबकि मेरे पास पेन पड़ा हुआ था, भर सकता था मैं, बट मेरे को नींद आ रही थी तो मैं सो गया भाई। अब जल्दी जल्दी क्या क्या है, बस नाम वाम ही है वही, और इधर अराइवल है इधर डिपार्चर, तो हमें अराइवल वाला भरना है। एक फॉर्म और दिया था, वो था वीजा के लिए, बट वीजा वाला मैंने लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वीजा है, तो इसलिए लिया ही नहीं फिर। चलो जी सारा भर लिया, ये रहा मेरा वीजा पासपोर्ट और साथ में ये जो भरा है, बस होटल बुकिंग नहीं है मेरे पास, तो वो मांग ना ले, मांगेंगे तो फिर ओनर से ही बात करवानी पड़ेगी जहाँ पे वो रुका हुआ है ना सोहन। लो जी लो लगेज भी आ गया अपना, एंड इमिग्रेशन भी क्रॉस कर लिया है, बढ़िया भाई साहब, बाहर से तो तगड़ा बना रखा है देखना एयरपोर्ट पूरा। और ये देखो जी, हाँ भाई फिर क्या हाल है लाओस वाली है,
लाओस के बन गए तुम तो, दाढ़ी वाड़ी क्यों नहीं कटवा रहे? ये मैं तो यही रहूंगा। यही रहोगे क्यों? शादी वादी तो नहीं कर ली? पकड़ना ये, शादी वादी तो नहीं कर ली है? देख लो, बस करने वाला हूँ यहीं पे। कौन सी इतनी बड़ी? ये क्यों ले आई इतनी बड़ी? कंटेंट। वो छोटी वाली कहाँ गई गाड़ी? उनकी वो कहीं बाहर गई हुई थी ना, इसलिए। ये तो फिर कितने मांग रहे? 3 लाख। ओ तेरी, जो इनकी लोकल टैक्सी ऐप है ना, लोका करके, उसमें केवल दिखा रहा है 70,000 और ये 3 लाख। 4 गुना ज्यादा भाई साहब, 4 भी 5 गुना हो गए। और इतनी बड़ी आई है। हाँ वही, चलो लग्जरी सा बैठ के जाएंगे। हेलो, ये भाई साहब है, रख देते हैं, रखवा दो वो भी पीछे। अरे नहीं अभी तो क्या बात है भाई, थाईलैंड में ज्यादा गर्मी लग रही थी, यहाँ इतनी गर्मी नहीं है। बारिश आई थी क्या? अभी थाईलैंड में ज्यादा था भाई गर्म, यहाँ इतना गर्म नहीं है। अच्छा जी, तुम चला रहे हो गाड़ी? और कैसे रहे दिन? बढ़िया कट गया अच्छे से? मन लग गया? इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया? दो है यहाँ लुआंग प्रभांग में। अच्छा जी, कैसा खाना था? तभी तो जिंदा हूँ। खाना कैसा था? बढ़िया बढ़िया था। और सस्ता था? महंगा? सस्ते ही। सही है, चलो फिर अभी चल के भाई इंडियन खाना खाते हैं मजेदार सा। ओ भाई साहब, ये तो टीवी निकल के आ गया सैमसंग का वहां से नीचे, मेरे ख्याल से 27 इंच या 32 इंच का। भाई साहब मस्त बना रखी है, ऊपर देखो चमक रहे हैं। 3 सीट पीछे, 3, 6, 2, 8, 1, 9। 9 सीटर गाड़ी अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो 3 लाख लाओस की करेंसी में आप पे कर सकते हो एयरपोर्ट से, मेन जो सिटी सेंटर है ना वहाँ जाने में। बाकी इस तरह की बसेस वगैरह भी हायर कर सकते हो तो आपके ऊपर है। मैं रिकमेंड करूंगा वो टैक्सी वाली जो ऐप थी ना, उससे कर लेना, काफी सस्ता पड़ेगा। 3 बंदों के लिए टैक्सी 70,000 में आ रही है, यानी कि 300 रुपए, 300 भी नहीं, 200 से भी कम में भाई, 180 रुपए में, बहुत सस्ती है। नहीं गलत बोल दिया, 70,000 यहाँ के कितने हुए? 400 रुपए हुए लगभग, यहाँ के 400 साढ़े 400 या 1200 रुपए से। बट मैंने इसको पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा ले आना, पता नहीं टैक्सी मिले ना मिले, बट अब मैं एयरपोर्ट पे चेक कर रहा था तो टैक्सी मिल रही थी। अब तो खैर हो गया, आ चुका। कितनी देर लगी आने में? 10-15 मिनट बस। रेलवे स्टेशन दूर था फिर तो, रेलवे स्टेशन में हमें 25 मिनट लग गए थे, ये कह रहा एयरपोर्ट 10-15 मिनट, फिर तो बहुत महंगी है उस हिसाब से। रेलवे स्टेशन के 1 लाख लिए थे उस टाइम पर, वो ये गाड़ी छोटी थी, पूरा जहाज ले आए हैं। क्या जरूरत थी भैया इतने बड़े लाने की? कंटेंट मिल गया, कंटेंट का पैसे लग गए, कंटेंट नहीं। दाढ़ी क्यों नहीं कटवा रहे? ऐसे ही साधु बनना है। सही बात है, टीका लगा के साधु बनी गया पूरा। लोग कह रहे हैं कमेंट्स में कि सोहन तो रोज नहा के पूजा करता है, नहाता भी नहीं है, पूजा भी नहीं करता है। पूजा नहीं करता, पूजा यहाँ कहाँ करता? टीका तो लगाता है, नहाता कहाँ, नहाते कहाँ हो तुम रोज? नहाते हो? हफ्ते में एक बार नहाते हैं, मतलब 2 बार जाते हैं। मैं नहाऊंगा भाई साहब आज, कल भी नहाया मैं, आज भी नहाऊंगा। इंडिया में मैंने बताया ना नहाने का मन नहीं करता था, यहाँ पे अब गर्मी है मस्त, स्कॉर्पियो एंड फाइनली कितने दिन बाद भाई, आज फोन करते थे ना पीछे से। और ये कह रहा पंचर हुई पड़ी है एक टायर पीछे से, तो वो भी रिपेयर करवाएंगे आज नहीं कल करवाएंगे। मैंने हवा भरी थी फिर वो वापस, अब कम हो गई ना। हाँ। तो पंचर है मतलब कि, ठीक है कल करवा लेंगे। वॉशिंग भी करवानी है, और वो भी क्योंकि गंदी भी बहुत ज्यादा हो रही थी जब मैं छोड़ के गया था, तो अब तो और गंदी होगी होगी, खड़ी रही इतने दिन वहां पे, सब सॉर्ट कर लेंगे। जी लोग पहुंच गए, और वो मुझे सामने गाड़ी दिख रही है, ये देखो ये खड़ी भाई। अरे हाय कितनी गंदी हो रही है मिट्टी में, कीचड़ जमा हुआ है पूरा। थारते वक्त पता चले रैप की भी ऐसी तैसी ना हो जाए, तो अभी धुलवाना पड़ेगा इसे कल सुबह सुबह जल्दी। चलो जी चलो, खुल जा सिम सिम भाई, USB वगैरह सब लगा रखा है इन्होंने, पूरा कस्टमाइज कर रखा है, टोयोटा की गाड़ी है ये। खुल जा सिम सिम। अभी ये जो रूम ले रखा था ना, सोच रहा हूँ आज आज रुक जाएंगे, कल किसी ऐसे हॉस्टल या होटल में जाएंगे ना, स्विमिंग पूल और थोड़ा चिल कर सके, पार्टी वार्टी, जैसे वो मैड मंकी हॉस्टल था भाई, मजेदार सीन होते हैं वहाँ, तो या तो वहाँ पे या कोई होटल रूम मिल जाए जिसमें स्विमिंग पूल हो अच्छा सा, तो वहाँ चले जाएंगे। आज आज रात निकालते हैं यहाँ पे बस। भाई साहब डिक्की बताओ, इतनी सीट होने के बाद भी डिक्की अच्छी खासी है, इसमें सामान आ जाए। ये खड़ी है भाई हमारी प्यारी प्यारी माफिया स्कॉर्पियो एन, होए गजब भाई, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। इतने दिन के बाद देख के भाई बड़ा अच्छा सा लग रहा है, और आज तो नहीं कल चलाने को भी मिलेगा, आज तो मैं रश करूंगा ना भाई, अब नहीं छोड़ के जाना इसको, मजे से चलाएंगे। वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार का मैं श्योर नहीं हूँ, काफी लोग कह रहे हैं वहाँ पे सिविल वॉर की वजह से दिक्कतें चल रही है, तो देखते हैं
बाकी फिर सिंगापुर से सीधा गाड़ी शिफ्ट हो जाएगी हमारी इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया में। गेट खोला हुआ है बस, तो यहाँ स्कूटर भी रेंट ले सकते हैं ये वाले ना। तो जी ये रूम था लगभग इंडिया के 800 रुपीस का पर नाइट पड़ा, 850 का, तो काफी सही था। दो बेड लगे हुए थे, हालांकि सोहन को तो एक की जरूरत थी। और ये बाथरूम है भाई, जेट लगा हुआ है बढ़िया मस्त। मैं आते ही भाई सो गया, अभी रात के 8:30 हो रहे हैं, 5 घंटे की नींद पूरी हो गई है। मेरे को पता है रात भर कुछ नहीं होगा, जागरण करना पड़ेगा या काम निपटाएंगे। अब जो भी वीडियोस आगे की शेड्यूल करनी है ना जल्दी जल्दी, तो अभी जा रहे हैं भाई निशा इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ पे सोहन का रोज खाना खाता था। बढ़िया टेस्ट, बढ़िया ठीक ठाक, चलो सस्ता है गहरा, टेस्ट भी ठीक ठाक है। तो पेट पूजा करे आते, क्योंकि 8:30 बज गए, 10 बजे तो सब कुछ बंद हो जाते हैं। आने के बाद फिर काम हम निपटा लेंगे जो निपटाने हैं। इधर तो भाई कोई क्लब में पार्टी वार्टी चल रही है, ओपन क्लब है वो, देखो शेल्टर के नीचे ना, बड़ी आवाज आ रही है डांस की नाचने की। वो बस रेस्टोरेंट भी आ गया, 900 मीटर था हमारे वाले गेस्ट हाउस से, पहुंच ही गए बस। लो जी लो ये आ गया है निशा इंडियन रेस्टोरेंट, लेट्स गो भाई, खाना मिलेगा मस्त। अच्छा सब ऑलमोस्ट सब कुछ ही है, और ये जो रेट लिखे हुए ना इसको भाई 230 से डिवाइड कर लेना, आपको इंडियन करेंसी में पता चल जाएगा। समोसे वगैरह, ओहो आलू दो प्याजा, टमाटर आलू मटर, आलू गोभी, वेजिटेबल करी, बैंगन भरता, कोरमा सब है भाई। ये देखो चना मसाला वगैरह, वेज के तो बहुत डिशेज है, मतलब वेजिटेरियन वालों को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, और नॉन वेज वालों के लिए भी चिकन वगैरह सब कुछ है। ये देखो चिकन करी 50,000 की, बहुत सही है सब्जी तो, है ना, 200-250 रुपए में मिल रही है सब्जी भाई, इंडिया वाला ही रेट है ये तो। सेम दूसरी कंट्रीज में तो 600-700 से कम नहीं मिलती एक प्लेट। क्वांटिटी कैसी है एक प्लेट में? इतना बड़ा बोल, दो लोगों के लिए है खाने लायक? अच्छा जी बहुत सही है भाई, 250 रुपए में तो फिर चलो करते हैं ऑर्डर भाई, अब भूख लग रही है। लो जी सब्जी आ गई अपनी, ठीक है क्वांटिटी तो। और नान देखना इनका कितना बड़ा है भाई, बटर वाला, और अच्छा भी लग रहा है। बाकी प्याज व्हाइट वाले इनके, पेट पूजा करते हैं विद कोका कोला। टोटल भाई 1,55,000 यहाँ की करेंसी का बिल आया, सोचो 3 लाख हमने टैक्सी को दिए थे और उससे आधे में हम दोनों ने खाना खा लिया, यानी 600 रुपए में भाई पेट भर के। उसमें भी थोड़ी सी रोटी बच गई थी भाई, क्योंकि सब्जी खत्म हो गई थी, बट पेट भर गया। सही है यार लाओस उस हिसाब से, जब इतने फॉरेनर्स आए हुए सस्ता वो होता है ये देश। रहने का भी देख लो भाई, 800-900 रुपए में गेस्ट हाउस मिल जाता है, घूमने के लिए स्कूटर रेंट ले रहे हो दिन का 300-350 रुपए में, खाना एक टाइम का अकेले बंदे हो तो 300-400 में, दो बंदे हो तो 500-600 में हो जाएगा। बहुत सही है भाई उस हिसाब से तो बढ़िया है। कल से एक्सप्लोर करेंगे भाई लुआंग प्रबांग को, और इसका वीजा भी हमें एक्सटेंड करना है सोहन का, क्योंकि मेरा तो वीजा नया लगा इंडिया से आया हूं, बट इसका वीजा 10 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है और हमें 10 फरवरी से ज्यादा चाहिए, क्योंकि आज ऑलरेडी 6 तारीख हो चुकी है, तो कम से कम 8-9 दिन और घूमना है अभी लाओस में। तो इसका 15 दिन का तो मैं वीजा एक्सटेंड करवाऊंगा, उसमें कितना खर्चा आएगा, कहां से होगा, वो सब बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, होगा लुआंग प्रबांग से ही। और गाड़ी की भी रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो भी 12 या 13 फरवरी को खत्म हो रही है, तो काम बहुत है भाई, कल से लगना पड़ेगा अब। और ट्रिप को अपना अच्छे से कंटिन्यू करते हैं। चाइना से फ्रूट्स भी सस्ते हैं भाई, यहाँ चाइना में सेब वेब बहुत महंगे थे, यहाँ पे इतने महंगे नहीं है। 1 kg के 50,000 का 1 किलो सेब मिल रहा है यहाँ पे, मोटा मोटा 300 रुपए कितना है, सस्ते है 300 रुपए, नहीं 300 नहीं 200, सस्ता कहा इंडिया में सस्ता है। चलो बाकी खत्म करते हैं, बाकी खत्म करते हैं भाई इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय।